पलवल की जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति द्वारा पिछले काफी समय से प्रतिमाह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य पलवल के नागरिक अस्पताल स्थित रक्त कोष में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। बुधवार को जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति द्वारा जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति के डॉक्टर राजीव अग्रवाल और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने रक्तदान से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हुए लोगों से अपील की कि सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे किसी के जीवन को बचाया जा सके। रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर सरफराज ने कहा कि रक्त कोष को प्रतिमाह करीब 300 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जो इस तरह के स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से पूरी की जाती है। साथ ही उन्होंने लोगों से रक्तदान की अपील भी की। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव बिजेंद्र सौरत ने कहा कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी लोगों के सहयोग से जिले में रक्त की आपूर्ति को पूरी करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो समय समय पर लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। रक्तदान की कितनी आवश्यकता है और कौन कौन रक्तदान कर सकता है? रक्तदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 55 साल तक की हो, ठीक है, जिसको कोई बीमारी ना हो, शुगर की, थायराइड की, खून की कमी ना हो। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रक्त की रिप्लेसमेंट रक्त ही है। अभी भी कोई आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना जिसको कि दे करके आपात समय में मरीज की जान बचाई जा सके। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसे रक्त स्राव हो गया, किसी की डिलीवरी के टाइम पर रक्त स्राव हो रहा है, किसी का ऑपरेशन है जिसके अंदर ब्लड की ज़रूरत है, तो ऐसे में ब्लड को सिर्फ ब्लड से ही रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड है, जिसके अंदर करीब 800 ml से 1 लीटर तक यकृत यानी स्प्लीन के अंदर रिजर्व मात्रा में रहता है। अगर हम 450-450 ml ब्लड भी डोनेट कर दें तो उससे हमारे शरीर के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल गर्मी का वक्त है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करने के बाद में प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करें, खाना ठीक से खा लें, कुछ फल फलों का जूस वगैरह लें, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी ये बिल्कुल सेफ है, इससे किसी के शरीर के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और हम हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि हमारे को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अच्छा, आज रक्तदान शिविर लगाया गया है तो किस संस्था के तत्वाधान में लगा है और लगभग कितने लोगों ने इसमें डोनेट किया है? आज का रक्तदान शिविर जो है जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति के तत्वाधान में लगाया गया है और अभी तक 35 यूनिट इकट्ठी हो चुकी है और करीब करीब 70-80 का लक्ष्य है। इस गर्मी के मौसम में खून की काफ़ी कमी हो जाती है, इस समय पे समय समय पे हर हफ्ते अगर 50-60 यूनिट के कैंप लगते रहें तो पलवल ज़िले के अंदर रक्त की जो कमी है वो दूर की जा सकती है। इसके लिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके रक्त शिविर में ज़रूर जाए, पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। ये जो आपकी संस्था है ये पहली बार कैंप लगा रही है या फिर महीने में लगाती रहती है? हमारी संस्था हर महीने कैंप लगाती है। जिला ब्लड बैंक के अंदर हर महीने हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगता रहता है और करीब करीब अभी तक हम 50-60 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। तो किसी भी ब्लड बैंक के इंचार्ज रह चुके हैं तो कितनी आवश्यकता है ब्लड की, कितनी कंजम्पशन है और कितना आता है? करीब करीब मेरे टाइम पे जो है 300-350 यूनिट पर मंथ की रिक्वायरमेंट थी और करीब करीब 200-250 यूनिट आता था, जिसमें करीब 50-100 यूनिट फिर भी कम रह जाता था। लेकिन पिछले साल में काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे हैं, लेकिन गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मेरा अनुरोध ये रहता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4-5 महीने बीमारियों के महीने होते हैं, इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो यंग है, जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन रक्तदान शिविरों में पार्टिसिपेट करें और रक्तदान दें। चूँकि इस समय पे जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, इस समय पे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्वयं से भी संस्थाएं सर्दियों में कैंप ना लगा के उन्हें जून जुलाई की छुट्टियों में जो कैंप लगाने चाहिए, ताकि उनका ब्लड सही तरीके से प्रयोग में आ सके
अदरवाइज क्या होता है कि सर्दियों में ऑलरेडी इतने कैंप होते हैं, 300-400 यूनिट तक जो है यहाँ ब्लड डोनेशन होते रहते हैं। हर जो है ब्लड डोनेशन कैंप में 100-200 यूनिट आराम से इकट्ठी हो जाती है गर्मियों में, सर्दियों में। तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, यही मेरा अनुरोध है। अभी तक एकत्रित किया आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये जन स्वास्थ्य और शिक्षा समिति द्वारा लगाया है और ये समिति हर महीने एक डोनेशन कैंप लगाती है और हर कैंप में इस समिति द्वारा अच्छा खासा ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। आज भी टारगेट 70-80 यूनिट्स के बीच है और पूरी उम्मीद है कि इतने यूनिट आ जाएंगे। और वैसे गर्मियों में ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और कलेक्शन कम होता है क्योंकि डोनर्स हेजिटेट करते हैं गर्मी के मौसम में डोनेट करने से। और फिर भी हमारा पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएं गर्मियों में और जितनी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। तो सर जैसे आप बता रहे हैं ब्लड बैंक इंचार्ज हैं, तो महीने में कितना आपको खपत कितनी होती है, क्यों कितना आपके पास आता है? ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। गर्मियों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आपूर्ति करना मुश्किल होता है थोड़ा, जबकि सर्दियों में रिक्वायरमेंट कम होती है और जो है हमारे पास जो ब्लड कलेक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेरेटिवली। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो इस प्रोपोर्शन है इसको काफ़ी मतलब जो गैप है वो रिक्वायरमेंट और डोनेशन कलेक्शन के बीच उसको कम से कम रखा जाए। बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इसका मुख्य हमारा जो योजन है गर्मियों में हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और तरह के कई कैंप हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और जिससे हमारे ब्लड बैंक में रक्त की यूनिटों का अभाव हो जाता है। और जबकि सच्चाई ये है कि इस मौसम में रक्त की यूनिटों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो इसी कड़ी में आज हमने एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है कि लगभग इसमें 100 से ज़्यादा रक्त की यूनिट आज इकट्ठी होंगे। इसमें मुख्यतः हमारे जो रक्तदाता है वो हमारे फर्स्ट एड के ट्रेनी हैं और जो कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, उनका उत्साह अलग है और ये जीवनदान की मुहिम में हमारा सहयोग करते हैं। तो गर्मी के मौसम में जब रक्त की कमी हो जाती है तो इसमें इससे निपटने के लिए आप लोग किस तरह से प्रयोजन करते हैं? इससे निपटने के लिए जैसे कि रक्त कोई सब्जी टूटता है नहीं, लोग रक्तदान करेंगे तो किसी को रक्त मिलेगा, उसे जीवनदान मिलेगा। तो इसके लिए हम ही लोगों से अपील करते हैं, खासकर युवाओं से अपील करते हैं, सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हैं, लोग गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान लगाकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की यूनिट इकट्ठी करने में सहयोग दें। तो यही हमारा विशेष जो आह्वान है।